एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। जैसे ऐसे मान लीजिए ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब है बल रेखाएं समांतर हैं और समदूरस्थ हैं, यानी ये डिस्टेंस समान है। देखो वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, वैद्युत फलक्स क्या हैं, किस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की दिशा तय करते हैं, ये तो 100% जानकारी आपके माइंड में होनी चाहिए। इसके बिना तो 12th की क्लास में कोई भी टॉपिक पढ़ना संभव है ही नहीं। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई हो गया, ये एरो का निशान, मतलब ये इसकी दिशाएं हैं। अब इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव मतलब माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, जिसे हम 2L मानते हैं, ये L हो गई, ये सेंटर O हो गया। वैद्युत द्विध्रुव समान और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हों, इसका अपना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है जिसे हम P कहते हैं, और P की दिशा ये होती है माइनस से प्लस की ओर, और P का मान Q इंटू 2L, P की डायरेक्शन L की डायरेक्शन, माइनस से प्लस की ओर। अब इस पर वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ आवेश रखे हुए हैं जो कि एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। इस पर बल देखते हैं, हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर ये है, इसका मतलब है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में धन आवेश पर एक बल लगता है, जैसे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हमने की थी, ई का मान था एफ अपॉन क्यू जीरो। परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर, एकांक परीक्षण धनावेश और बल की दिशा में, जो दिशा बल की है वही दिशा वैद्युत क्षेत्र की होती है। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज इक्वल टू क्यू जीरो इंटू ई, यानी वैद्युत क्षेत्र ई अगर है तो क्यू जीरो आवेश पर बल लगेगा क्यू जीरो इंटू ई, और धनावेश पर जिधर बल लगता है वही दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है तो इस पर बल इधर लगेगा क्यू जीरो इंटू ई, ऐसे ही यहाँ इधर बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्यू जीरो इंटू ई। अब इस आवेश पर बल इधर लग रहा है, इस आवेश पर बल इधर लग रहा है, और ये एक वैद्युत द्विध्रुव समायोजन है, तो एक तरह से ये सेंटर हो गया, और इसको ये घुमाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बल इसको इधर ले जाएगा, ये बल इसको इधर ले जाएगा, एक तरह से ऐसे घुमाएगा, और दोनों एक ही दिशा में घुमा रहे हैं, यानी बल युग्म बना रहे हैं। बल युग्म का मतलब है समान बल विपरीत दिशा वाले और एक ही दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति हो, तो बल युग्म हो गया। और बल युग्म का आघूर्ण मतलब एक बल और उनके बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लांबिक दूरी। देखिए ये बल आघूर्ण का टॉपिक हाई स्कूल का टॉपिक है, और एक साइकिल सवार के उदाहरण में हमने 11th में भी इसका इस्तेमाल किया था। तो ये समझिए कि ये बल इधर है, ये बल इधर है, ये इसको ऐसे घुमाएगा, और बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लांबिक दूरी ये हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी हो गई। तो यहाँ ये दूरी हो गई हमारी कितनी होगी, जैसे ये लंबाई L प्लस L 2L है, और मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बना रही है, तो ये समांतर रेखाएं हैं, तो इसका मतलब ये भी कोण थीटा हो गया। तो ये लंबाई हमारी पूरी ये हो गई, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इस त्रिभुज की, तो ये इस कोण के लिए लंब है और ये कर्ण है,
लंबटेकरण साइन थीटा होता है। तो एक तरह से ये 2L है, तो ये 2L साइन थीटा हो गया। यानी बलयुग्म का घूर्ण एक बल और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबिक दूरी 2L साइन थीटा। तो इस तरीके से मेन बात ये हो गई, यानी बलयुग्म का घूर्ण टॉय अगर हम कहना चाहें, एक बल मतलब Q0 इंटू ई इंटू 2L साइन थीटा। जैसा कि 11th में भी पढ़ते आए हैं, बहुत सारे डेरिवेशन किए हैं और उन सभी डेरिवेशन में एक मेन लाइन पहले लिखी जाती थी। फिगर कैसे बनती है, जो प्रश्न दिया हुआ है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्मका घूर्ण, एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने बनाया, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा, कोई ना कोई दिशा होगी, इस पर देखा कि बल लग रहे हैं, बल युग्म बना रहे हैं, तो बल युग्म का आघूर्ण का सूत्र हमें पता होना चाहिए पहले से, और बल आघूर्ण का सूत्र हो गया एक बल गुना दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबिक दूरी। तो टॉय बराबर क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा, ये मेन लाइन हो गई। बाकी तो सब आसान कार्य है। जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव है और इस पर बल लगे हैं इधर इधर, तो बल युग्म का आघूर्ण हुआ क्यू ई इंटू, अगर क्यू आवेश माने, यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश हमने मान लिए हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो बल युग्म का आघूर्ण हो गया एक बल दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबिक दूरी। और बस आगे आसान है, क्यू 2L ई साइन थीटा, साइन थीटा का मान बी सी, अब देखो साइन थीटा ये एंगल थीटा है, कौन लंब बटे कर्ण होता है, तो 2L साइन थीटा अपॉन 2L साइन थीटा आ जाएगा एक तरह से, तो ये मान हो गया। और Q इंटू 2L P होता है, Q इंटू 2L P होता है वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत आघूर्ण, P इंटू E इंटू साइन थीटा। और याद होगा जैसे A क्रॉस B होता था, A क्रॉस B, A B साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर N होता था, ये क्रॉस गुना है, सदिश गुना जिसे हम कहते थे। अब इसकी जानकारी तो पूरी तरह से होनी चाहिए, अगर यहाँ इसकी जानकारी में कोई कमी है तो फिर यहाँ भी ये चीज़ें दिक्कत करेंगी। तो टॉय बराबर पी ई साइन थीटा, मतलब टॉय बराबर सदिश राशि पी क्रॉस ई, हम जानते हैं कि पी क्रॉस ई का मतलब पी ई साइन थीटा होता है। तो इसकी डायरेक्शन, पी की डायरेक्शन ये है, ई की डायरेक्शन ये है, यानी पहले उंगलियों को, दाएं हाथ की उंगलियों को पहले पी की ओर करेंगे और फिर घुमाएंगे ई की ओर, तो अंगूठे की जो दिशा है यानी कि क्रॉस के निशान से, तो इस पर बल आघूर्ण की दिशा, टॉय की दिशा क्रॉस के निशान से नीचे की ओर हो जाएगी, बल युग्म के आघूर्ण की दिशा यहाँ इस पर क्रॉस के निशान से नीचे की ओर, ये दिशा। अगर थीटा का मान जीरो हो तो टॉय बराबर जीरो, क्योंकि थीटा जीरो है तो साइन जीरो जीरो होता है। ये सब तो सामान्य बातें हैं बाद की, है ना। थीटा अगर 90 डिग्री है तो टॉय मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन थीटा का मान मैक्सिमम हो जाएगा, साइन थीटा का मान मैक्सिमम 1 होता है 90 डिग्री पर, तो थीटा 90 डिग्री पी ई हो जाएगा, अधिकतम मान हो जाएगा। यहीं से हम पी बराबर टॉय मैक्सिमम अपॉन ई, पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, टॉय मैक्सिमम अपॉन ई। ये सब सामान्य बातें हैं जो कि और भी फॉर्मूलों में लगभग एक ही तरह से की जाती है। यहाँ से पी की परिभाषा की जा सकती है, पी यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत आघूर्ण, पी की परिभाषा करने का तरीका क्या हुआ कि ई का मान 1 कर दीजिए तो पी का मान टॉय मैक्सिमम हो जाएगा। यानी एकांक एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ हो तो उस पर जितना भी बलयुग्म का आघूर्ण लगता है उसी के बराबर होगा वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत आघूर्ण। अच्छी तरीके से तैयार करें।